कोई हमें स्पॉट नहीं करता, कोई पैकर आली हमें पूछता नहीं है। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मैम, खासकर जो आपके पीछे वाले ना पीली शर्ट पे चल रहा है, मैम उनको तो कोई भी नहीं पूछता, उनको कोई भी नहीं पूछता। नहीं सच में मेरे को कोई भी कोई पूछता नहीं है, तो अच्छा लग रहा है आप लोग हमें इतना पूछ रहे हो, इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हो। मैम ये शादा महेश, हम लोग पूछेंगे ना मैम, पूछोगे ना पक्का? ऐसा नहीं है मैम, खासकर जो आपके पीछे वाले ना पीली शर्ट पे चल रहा है, मैम उनको तो कोई भी नहीं पूछता, उनको कोई भी नहीं पूछता। नहीं सच में मेरे को कोई भी कोई पूछता नहीं है, तो अच्छा लग रहा है आप लोग हमें इतना पूछ रहे हो, इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हो। मैम ये शादा महेश, हम लोग पूछेंगे ना मैम, पूछोगे ना पक्का? देखो कुछ लोग हैं जो नहीं, मैं आपको रोज दिखता देखता हूँ, रोज आप रुकते ही नहीं हो, चले जाते हो, और बहुत सारे बातें करेंगे। हो गया, थैंक यू मैम। अरे भाई हमारा नया गाना आ रहा है, उसके लिए कुछ कुछ लोग। हाँ जी बताइए बताइए। हाँ आपका टीजर आ गया है, मिलियन हो गया है एक दिन में ही। काफी रील भी बने उसमें, काफी रील बन गए आपने डाले थे। हाँ जी बहुत रील बने, मैं बहुत हैरान हूँ ऑडियंस, अभी तक मैंने किसी को बोला नहीं था कि आप रील बनाओ, लेकिन अब मैं बोलूंगी जिस दिन गाना रिलीज होगा ना उस दिन बोलूंगी सबको की रील बनाए, एंड आई एम श्योर लोग बनाएंगे। पहली बार हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, फिर तो एक रील लंबी बना देंगे वाइफ के साथ में। अच्छा करवा चौथ पे प्लीज प्लीज आप लोग सब रील बना रहे हैं, खोलते समय जरूर। शूट का कैसा रहा एक्सपीरियंस? आपके साथ मैं रील बना लूंगी अगर आपको कोई नहीं मिलता तो, लेकिन रील जरूर बनाना, पक्का पक्का 100% प्रॉमिस। अब देखो हमें इतना लोगों ने सपोर्ट किया, आप लोग भी सपोर्ट। बिल्कुल मैम, मैम शूट की अगर बात करें, शूट की बात करें तो कैसा एक्सपीरियंस ऑल ओवर दी शूट? फर्स्ट टाइम हम दोनों ने साथ में काम किया और बहुत अजीब बात यह है कि मुझे जैसे डांस नंबर्स के लिए जाना जाता है, लड़के झड़के सभी को मालूम है कि डांसर ठीक ठाक हूँ मैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है कि मैंने कुछ डिफरेंट किया है, डांस नहीं किया है और मैंने पूरी एक्टिंग कर लिया है, तो ये फुल ऑफ इमोशन का ये गाना, और फर्स्ट टाइम अपने हस्बैंड के साथ काम किया है तो मेरे लिए और भी डिफरेंट है। फर्स्ट टाइम हमने ऑन कैमरा रोमांस किया, ऑन कैमरा रोमांस किया, हमारा रोमांस कभी वैसे किसी के सामने आया नहीं, लाइक वेन वी वर डेटिंग ऑल्सो तब भी हमने कभी किसी को बुलाया नहीं, मीडिया में से भी छुपा के रखा, लेकिन अब ये फर्स्ट टाइम है कि शादी के 5 साल के बाद हम लोग साथ में काम कर रहे हैं और साथ में रोमांस कर रहे हैं। तो सर फर्स्ट टाइम ऑन कैमरा रोमांस कितना टफ रहा आपके लिए अगर बात करें? ऑफ कैमरा में तो आप कर सकते हो, लेकिन ऑन कैमरा में आपको अलग तरीका का रोमांस करना पड़ता है, जो आपको पता है कि आप दिखाने के लिए कर रहे हो लेकिन वो रियल लगना चाहिए, तो ऑन कैमरा अपनी वाइफ के साथ रोमांस करना मुश्किल था, मज़ा बहुत आया, लेकिन मज़ा बहुत आया, मज़ा बहुत आया।
और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, लेकिन थके हुए थे क्योंकि मेरी डॉग की डिलीवरी हुई थी, तो वो बच्चे के साथ पूरी मतलब वो एक दिन पहले एक रात पहले वो उसका यू नो सी सेक्शन हुआ था, तो हम लोग बहुत ज़्यादा रेंचू में थे और नेक्स्ट डे हमारा साउंड शूट था, तो हम लोगों ने कैसे ये चैलेंज लिखना, ये चैलेंज था हमारे लिए सॉन्ग करना, तो बहुत बड़ा चैलेंज हम लोगों ने पार किया है ना। होपफुली अभी गाना अच्छा निकला है और लोगों को पसंद आए, मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर लोगों ने प्यार दे दिया तो हम लोग बहुत सारे गाने साथ में करेंगे। लक्ष्मी फैंस के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे? इसके लिए फैंस के लिए क्या कुछ कहोगे गाने के? फैंस के लिए मैसेज देना चाहेंगे कि करवा चौथ आने वाला है, करवा चौथ पे हमारा गाना आने वाला है, तो जितने भी कपल्स हैं जो साथ में रहते हैं वो बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में ज़्यादा ना सोचें, जो छोटी छोटी चीज़ें, एक दूसरे को सॉरी बोलना, एक दूसरे को आई लव यू बोलना, एक दूसरे की केयर करना। लोग ज़्यादा इसमें फंसे रहते हैं कि हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएं, बड़ा घर ले लें, बड़ी गाड़ी ले लें, कुछ नहीं होता उसमें फंसे रहते हैं कपल्स, लेकिन अगर छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दें, चलो आज साथ में खाना बनाते हैं, चलो आज साथ में बैठ के पिक्चर देखते हैं, उन चीज़ों पर ध्यान दें तो रिलेशनशिप मुझे लगता है और अच्छे होंगे हमारी कंट्री।